नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। शाम होते होते एक बड़ी रिपोर्ट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति किस हिसाब से और किस दिलचस्प अंदाज में बदल रही है, वो हम इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच की जंग की बात हमने पूरे दिन की है, उसको लेकर जो घटनाक्रम रहा है उस पर हमने बहुत बात की है। आगे भी जो अपडेट होगा वो हम बताएंगे, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जेडीयू ने अपने सहयोगी बीजेपी से बदला ले लिया है। और बदला किस बात का? अरुणाचल का। अरुणाचल याद होगा आपको, जहां जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। लंबे वक्त का मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जेडीयू में सेंधमारी की थी अरुणाचल में, और अब बीजेपी ने उसका बदला लिया है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लगातार कह रहे थे कि बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपा है और हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है बीजेपी के नेता को। और नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं, पूर्व मंत्री सोनाधारी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और जाहिर तौर पर ये बड़ी सेंधमारी है जेडीयू की, और सोनाधारी सिंह ने भी बीजेपी को बेसर्म पार्टी करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के जो हवाले से खबरें आ रही हैं, जेडीयू में शामिल होते ही उन्होंने हमला बोला है। 2 महत्वपूर्ण सहयोगी दलों के नेताओं को जेडीयू ने आज अपनी पार्टी में शामिल कराया है। 2 महत्वपूर्ण सहयोगी दलों के अंदर सेंधमारी की है जेडीयू ने, बीजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सत्यनारायण शर्मा को जेडीयू अपने पाले में ले आई है, और बीजेपी से पूर्व मंत्री सोनाधारी सिंह को बीजेपी अपने पाले में ले आई है। तो बिहार की राजनीति को समझिए, सहमत का खेल अपनों के बीच चल रहा है, सहमत का खेल बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहा है। लड़ाई अपनों से है, जेडीयू के अंदर भी लड़ाई है, एनडीए के अंदर भी लड़ाई है, और जेडीयू ने एक तरह से अरुणाचल का बदला लिया है, बड़ी सेंधमारी की है, पूर्व मंत्री को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। और इस पर क्या रिएक्शन होता है बीजेपी का, इस पर क्या पलटवार सामने आता है, सहमत का खेल जारी है। देखते रहिए, हम आपको इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगा, जो भी जानकारी होगी, वो आगे भी बताएंगे। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।